नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 नवंबर 2022 के आपके संपूर्ण राशिफल के बारे में। शुरुआत करते हैं आज की बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों आज का ज्ञान जो भी व्यक्ति ध्यान से सुन लेगा दोस्तों, उनके जन्मकाल में कोई भी कष्ट नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। तो दोस्तों बिल्कुल ही ध्यान सुनिएगा दोस्तों, ये शीघ्र आपके जीवन काल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जी दोस्तों, रामायण में रावण ने घोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी और रावण को वरदान देने के लिए प्रकट हुए। रावण ने वरदान मांगा, मुझे वर दीजिए कि किसी के हाथों में मेरी मृत्यु न हो। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। एक तो रावण दुष्ट है और ऊपर से ऐसा वरदान मांग रहा है। ब्रह्मा जी ने रावण को समझाया, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, यही विधि का विधान है। रावण अड़ गया और बोला, नियम मैं नहीं जानता, मुझे तो यही आशीर्वाद देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। उन्होंने देवी सरस्वती से प्रार्थना की कि कुछ तो मदद करिए, इसकी बुद्धि फेरिए। कुछ देर बाद ही रावण ने कहा, ठीक है, मुझे वर दीजिए कि मनुष्य और बंदरों को छोड़कर मुझे कोई मार न सके। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया। रावण ने सोचा था कि मनुष्य और बंदर तो मेरा भोजन है, ये क्या मुझे मारेंगे। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी कोई इंसान बंदरों के साथ उनकी मौत का कारण बन जाएगा। जी दोस्तों, इसे हमें यही सीख मिलती है कि जब भी कोई बड़ी सफलता मिली तो हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, बड़े बोल न बोले। कभी कभी अहंकार में ऐसी बड़ी बातें बोल दी जाती है जो मनुष्य में हमारे लिए ही नुकसानदायक हो जाती है। जी दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको आज का यह ज्ञान समझ में आई हो, सच्ची लगी हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। आज का पंचांग, आज दिन शुक्रवार 4 नवंबर 2022, सूर्यपद की एकादशी तिथि शाम के 6:08 रहेगा। उसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएंगे। पूर्व भाद्रपदा नाम का नक्षत्र रात्रि के प्रातः काल 12:12 रहेगा। उसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नाम का नक्षत्र प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों व्याघात नाम का शुभ योग रात्रि के प्रातः काल 3:15 रहेगा। उसके उपरांत हर्ष नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। राहु काल के समय की बात करें अर्थात दिन के अशुभ समय की, यश में आप कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों यह समय रहेगा सुबह के 10:47 से लेकर दोपहर के 12:10 तक, और चंद्रमा दिन कुंभ राशि के उपरांत मीन राशि में संचार कर जाएंगे। वहीं दोस्तों दिन के अभिजीत मुहूर्त की बात करें अर्थात शुभ समय की, यश में आप सभी शुभ कार्यों को कर सकते हैं। तो दोस्तों यह समय रहेगा सुबह के 11:48 से लेकर दोपहर के 12:32 तक। तो आइए दोस्तों से की शायद बात करते हैं जो ग्रहों की स्थिति है, जो चंद्रमा का गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आएंगी। यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों यश में आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं दैनिक राशिफल। दोस्तों यश में दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से प्रारंभ होगा। मित्रों या फिर सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अकेले ही कार्यों को उचित अंजाम यश में देने में सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में दिन के दूसरे पक्ष में सावधान रहने की आपको आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि अचानक कोई मुसीबत आपके सामने खड़ी हो सकती है तथा व्यर्थ के कार्यों में भी कुछ समस्याएं व्यतीत होगा। दोस्तों ध्यान रखें कि कभी कभी अति आत्मविश्वास तथा अहम आपके बनते कार्यों में भी रुकावट डाल सकता है, तो दोस्तों इनसे जरूर सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें यश में आपके लिए समय होंगे दोस्तों मौज मस्ती की तरफ अधिक ध्यान रहने की वजह से महत्वपूर्ण काम भी पीछे रह सकते हैं। दोस्तों काम संबंधित बातों में आपको अभी रस नहीं आएगा, फिर भी दोस्तों जिन कामों को डेडलाइन आ रही है उन काम की तरफ जो है अवश्य ध्यान देना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों आपको बता दें
की अधिक जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से मन में आपका तनाव बढ़ रहा है, जिससे आप बार बार भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दिन की शुरुआत में कुछ मुश्किलें सामने थोड़ी थोड़ी आ सकती है, परंतु दोस्तों आप अपने आत्मविश्वास व फिर दृढ़ निश्चय द्वारा उनका समाधान भी आसानी से ढूंढ लेंगे। दोस्तों धार्मिक कार्यक्रम में जाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली यश में बनाने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि अनावश्यक खर्चों की स्थिति यश में बनी रहेगी। अपने बजट का भी आप ध्यान जरूर रखें। दोस्तों किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता यश में रह सकती है। विद्यार्थियों को भी कंप्यूटर संबंधी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अपने दायरे से बाहर निकलकर नए लोगों के साथ संपर्क जोड़ने की आप कोशिश करते रहें। दोस्तों आपको नए मित्र बनाने की अधिक आवश्यकता है, इसलिए दोस्तों केवल खुद के ही विचारों पर रहकर आपको नकारात्मक चीज़ें ही मिलती रहेंगी। दोस्तों इसके उपरांत आपके आसपास के जो वातावरण है इनमें बदलाव लाने की आपको कोशिश करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में ग्रह गोचर बहुत ही उत्तम समय आपके लिए लेकर आने वाले हैं, और दोस्तों आपके आत्मविश्वास और फिर कार्य क्षमता को और अधिक बल दे रहा है। दोस्तों यह ग्रह गोचर आपके लिए भाग्यशाली रहने वाले हैं। दोस्तों यह समय मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी संभव है, तथा किसी सामाजिक उत्सव में भी सम्मानित होने का अवसर भी यह समय आपको प्राप्त होने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों कभी कभी किसी वजह से आपको अपने ही व्यवहार में लचीलापन बनाकर रखना चाहिए। नजदीकी मित्र या फिर भाई के साथ जो है छोटी सी बात का बड़ा जो कन्फ्यूजन को लेकर खड़ा कर सकता है। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि किसी विषय में आपको योग्य मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आप अपने काम को या फिर अपने विचारों को योग्य दिशा नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों अपने काम के लिए आप दूसरों पर निर्भर ना रहें। किसी विषय में बढ़ रहा कन्फ्यूजन आपको बेचैन बना रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आप काम से संबंधित कोई भी निर्णय ना लें, और दोस्तों यदि व्यक्तिगत है तो निर्णय से जुड़े परिणाम का अवलोकन करके ही आगे बढ़ें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, दिन की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगी। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि आपके प्रति कुछ नया करने का जो आपकी इच्छा है यश में पूर्ण होगी। भाग्य का सितारा प्रबल है। दोस्तों अपने कार्यों के प्रति आपका उत्साह आपको अवश्य ही सफलता यश में दिलाने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों किसी परिजन से मुलाकात भी होगी, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि फिर आपके ऊपर उदासीनता व फिर नकारात्मक विचार हावी हो रहा है। फर्क इतना है कि इस बार आप दोनों बातों के बारे में उचित अधिक जो है जागरूक हैं, इसलिए दोस्तों यश में अपने अंदर नकारात्मक विचारों को मिटाने का प्रयत्न आप करते रहेंगे। खुद के अंदर सकारात्मक विचारों को देखने की कोशिश करें और आप अच्छी सफलता को इसमें प्राप्त कर पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में बता दें आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों यश में युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे, जिससे दोस्तों अधिक आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। यश में साझेदारी व्यवसाय संबंधी निर्णय लेना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। दोस्तों मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति अपने प्रोजेक्ट को यश में पूरा करने में ज़्यादा ध्यान दें, ये आपके करियर के लिए यह समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों बता दें यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आयात निर्यात संबंधी व्यवसाय में कुछ नुकसान होने की भी स्थिति बन रही है, इसलिए दोस्तों अभी निवेश ना करें और सावधानी बरतें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। किसी भी व्यवसाय की यात्रा को अभी स्थगित ही रखना आपके लिए उचित होगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी विदेश संबंधी कोई उपलब्धि भी यश में हासिल हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे। आपको बता दें कि ग्लैमर या फिर कला सौंदर्य और प्रसाधन आदि से जुड़े जो भी व्यक्ति है उनके व्यवसाय में मन मुताबिक उपलब्धि भी हासिल होंगी, परंतु कर्मचारियों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र अवश्य रखें। यश में दोस्तों विदेश संबंधी व्यवसाय में यश में कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों आपको बता दें यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे। विवाहित संबंधों में गलतफहमियों को लेकर कुछ तकरार उत्पन्न हो सकती है। अपने रिश्तों के प्रति जो है ईमानदार रहें, व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूरियां बनाकर ही रखें या फिर इनसे बचकर रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे। आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से उमंग और खुशी भरा माहौल रहेगा।
इसको पाँच दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जिसमें होंगे, आपको बता दें कि एसिडिटी व फिर कब्ज जिससे शिकायत रह सकती है, तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें, ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर रहने वाले हैं। इसको उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, स्वास्थ्य अंत में ठीक होगा, परंतु दोस्तों सिर्फ अत्यधिक तनाव के कारणों से आपको अपना बचाव करना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होंगे और इनसे अपने स्वास्थ्य को आप बहुत अच्छे तरीके से संभाल भी पाएंगे। इसको उपरांत दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा गुलाबी और भाग्यशाली अंक रहेगा 5।